श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां भयग्रीवमुपास्महे। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणशरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते श्रीनिगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवराहमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीपद्मनाभगुरवे नमः। श्रीमते श्री मुकुंदगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभकृत वर्षीय तिरुपाय उपन्यासः संस्कृत भाषायां प्रवर्तते। अद्य गोदादेव्याः तनियन नामक स्तुतयः वर्तन्ते, त्रयः वर्तन्ते। एकं संस्कृते, अन्यद्वयं द्राविडभाषायाम् अथवा तमिळ्भाषायां। तेषाम् अर्थः अद्य श्रावयामः, अर्थं श्रावयामः। भगवदनुभवे, भगवत्कैङ्कर्ये सर्वदा निमग्नाः आसन् ये जनाः भागवतोत्तमाः, भागवतोत्तमाः ते एव आविवार् इति नाम्ना व्यवह्रियन्ते, पूज्यन्ते। तेषु अन्यतमा गोदादेवी। श्रीमद् रामानुजाचार्याणां शिष्यभूतानां अन्यतमाः आसन् श्री श्रीवत्साङ्कमिश्राः अथवा कुरुतळ्वार् इति। तेषां पुत्राः आसन् पराशरभट्टार्याः। पराशरभट्टाः अधीत शास्त्रार्थाः अतीव बुद्धिशालिनः एवं कवयः। ते गोदादेव्याः इदं पद्यं लिखितवन्तः, समर्पितवन्तः। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्ठायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः इति। नमः इदं, नमः इदम्, इदं नमः, भूयः एवास्तु, भूयः एवास्तु इति वर्तते तस्य पद्यस्य चतुर्थः पादः। तस्यै गोदा तस्यै इदं नमः, इदं नमः, भूय एव अस्तु, भूय एव अस्तु इति हि स्तुतिः। कस्यै गोदायै? नीलातुङ्गस्तनगिरितटि सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं, कृष्णमुद्बोध्य। या गोदा कृष्णम् उद्बोधितवती। कृष्णं कुत्र सुप्तः आसीत्? नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तम्। अस्मन्मते परमात्मनः श्रीमन्नारायणस्य अनेके पत्न्यः वर्तन्ते। तेषु श्री
भू नीला इति प्रसिद्धाः। श्री तावत् कमला, भूः भूमादेवी, अनन्तरं नीलादेवी। नीलादेवी एव कृष्ण अवतारसमये नप्पिण्णै इति नाम्ना अवतारं कृत्वा तत्रैव गोकुले एव अवर्तत। कृष्णस्तावत् नीलया सह सुप्तः आसन् आसीत्। नीलातुङ्गस्तनगिरितट तटी सुप्तमुद्बोध्य। एषा रीतिः कवीनां रीतिः, ते वर्णनं कुर्वन्ति स्त्रीणां स्तनभागः तुङ्गैव वर्तते, गिरि तद्वत् तत्र पौष्कलं तद्वत् तत्र पुष्टिर्विद्यते, यतोहि करुणायाः लिङ्गः सः सः प्रदेशः करुणायाः लिङ्गः। तत् सूचनार्थं गिरिवत् वर्तते, तत्र कृष्णः अनुभवं प्राप्य स्वपिति इति भावः। तं च कृष्णम् उद्बोध्य, हे कृष्ण शृणु तावत्, अहमपि अर्हामि त्वां भोक्तुं, यतोहि आवयोः एकः कश्चन सम्बन्धः वर्तते, अपृथग्भूतः स च सम्बन्धः न केनापि नष्टः भवति, न केनापि नाशयितुं शक्यते। त्वं च शेषी, अहं शेषभूता शेषभूतः, अतः आवां द्वावपि मिलित्वा परस्परं भोक्तुम् अर्हावः इति भावः। स्वं पारार्थ्यं, त्वमेव स्वतन्त्रः सर्वस्वतन्त्रः, जीवात्मनः सर्वेपि परतन्त्राः परतन्त्रभूताः त्वयि, अतः पारतन्त्र्यं तावत् मयि वर्तते। स्वं पारार्थ्यम्, एतच्च पारार्थ्यम् अथवा पारतन्त्रिकं कुत्र निर्दिश्यते? श्रुतिशतशिरस्सिद्धम्। एतच्च पारार्थ्यं न केनापि स्वकपोलकल्पितम् इति उक्तं भवति, किन्तु श्रुतिशतशिरः इत्युक्ते उपनिषद्भागः इति वक्तुं शक्यते। तत्र सिद्धमस्ति यत् जीवात्मानः परमात्मनः शेषभूताः इति। तच्च अध्यापयन्ती गोदा, तस्यै गोदायै इति भावः। एतच्च तिरुप्पावै प्रबन्धस्य सारांशः इति वक्तुं शक्यते इति वदन्ति श्री उत्तमूर् वीरराघवाचार्याः महाप्राज्ञाः। ते वदन्ति अनन्तरं गोदायाः पुष्पकैङ्कर्यमपि अस्ति खलु। यदा गोदादेवी बाल्ये आसीत् तदा तस्याः पितरं दृष्टवती। ते खलु प्रतिदिनं स्वेन निर्मित वाटिकासु ये यानि च पुष्पाणि प्राप्तानि तान् आनीय मालाः विरचय्य भगवते समर्पितवन्तः। गोदादेव्याः कस्मिंश्चित् दिने काचन स्पृहा जाता, अहं तावत् प्रथमं ताः मालाः धरामि, धृत्वा दृष्टामि पश्यामि क्षम्यतां दृष्ट्वा पश्यामि, यदि सुन्दरतया ते भवन्ति चेत् तर्हि अनन्तरं ताः एव मालाः भगवते समर्पयामः इति। किन्तु
एतत् तस्याः पितरः विष्णुचित्ताः श्रीविष्णुचित्ताः न अजानन् न जानन्ति स्म। एकस्मिन् दिने ते यदा मालाः भगवते समर्पयितुम् आनीतवन्तः तेषु रोमानि दृष्टवन्तः। तान् दृष्ट्वा तानि च दृष्ट्वा सन्देहः जातः तेषु, कथं वा अतिश्रद्धया परमया भक्त्या च मयि रचिते एतस्मिन् कार्ये कथं वा रोमाणि इति। अनन्तरं तैः ज्ञातं भवति यत् गोदादेवी ताश्च मालाः प्रथमं स्वस्यां शरीरे एव निधाय अनन्तरम् एव भगवते ददाति इति। तर्हि तस्मिन् दिने ताः मालाः भगवते न समर्पितवन्तः, पुनः आनीय नूतनतया रचिताः मालाः समर्पितवन्तः। किन्तु भगवान् भागवतभावप्रियः खलु, तस्य स्वप्ने तेषां स्वप्ने आगत्य या मालाः गोदया उच्छिष्टाः तायेव अस्मभ्यं रोचन्ते इति भगवान् उक्तवान्। अनन्तरं ये याः मालाः गोदादेव्याः गोदादेव्या उच्छिष्टाः तायेव समर्पिताः आसन्। अतः पराशरभट्टार्याः एवं वदन्ति, स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते। स्रक् स्रक् इत्युक्ते माला, मालाभिः अपि भगवन्तं तस्याः पतिं, भविष्यत्काले पतिर्भवति अवतारवेलायां, तां बलात् तं च बलात्कृत्य या गोदा भुङ्क्ते अनुभवति। तस्मै तस्यै अथवा तस्यै गोदायै इदं च नमः, भूयः भूयः एव अस्तु इति भावः अस्य पद्यस्य लीलातुङ्गस्तनगृपति इति। भूमादेवी खलु गोदादेवी इति अवतारं कृतवती, अत एव कृष्णमेव सा स्पृहयति, कृष्णस्तावत् एवं वदन्ति उत्तमूर् वीरराघवाचार्याः, कृषिर्भूवाचकः शब्दः नश्च निर्वृत्तिवाचकः। कृष्णः 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 खलु एवं वर्तते, कृषिर्भूवाचकः तस्मिन् वर्तमाने कृषि तत्सूचनाय कृष् कृषिर्भूवाचकः शब्दः न नः यः अन्ते वर्तते नश्च निर्वृत्ति निर्वृत्तिवाचकः। भगवान् कृष्णः भूमा देव्याः देव्यै सुखं प्रापयति, अत एव भूमादेवी अपि कृष्णं स्पृहयति इति। अनन्तरम् उय्यक्कोण्डार् इति आचार्याः आसन्, ते च यामुनमुनीनां शिष्यभूताः। उय्यक्कोण्डार् इति नाथमुनीनां शिष्यभूताः उय्यक्कोण्डार् इति, तेषां प्रभावः महाप्रसिद्धः, स्वारस्यं च स्वारस्यं वर्तते तत्र तेषां चरित्रे, अनन्तरं पश्यामः। ते च उय्यक्कोण्डार् आचार्याः, त
तनियद्वयम् इति वक्तुं शक्यते द्रविडभाषायाम्। அன்னவயல் புதுவை ஆண்டால் அரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவி பல்பதியை மின்னிசையால் பாடி கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலை சொல்லு. அன்னவயல் புதுவை ஆண்டால் அரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவி பல்பதியும் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலை சொல்லு. இது ஆத்தியம். சொல்லு இத்துக்கு சங்கீர்த்தனம் குரு இது ஆதேச. சொல்லு காம்பிரதி சங்கீர்த்தனம் கர்த்தவியம். சூடி கொடுத்தாலே சொல்லு. சூடி இத்தியுக்தே பிரதமம் ஆத்மனஹ சிரசி நிதாய சிரசி தத்ர ஸ்தாப்ய அனந்தரம் சா மாலாஹ சமர்ப்பிதவதி. அதேவ சூடி கொடுத்தாலே கொடுத்தாலே இத்தியுக்தே தத்தவதீம் சூடி கொடுத்தாலே இத்தியுக்தே சிரசி பிரதமம் சிரசி ஸ்வசிரசி ஸ்தாப்ய அதுவா பிரதமம் அனுபூய அனந்தரம் பகவதே சமர்ப்பிதவதி இதி பாவஹ. பூமாலை சூடி கொடுத்தாலே யா மாலா பகவதே ரோச்சதே ஸ்ம துளசி மாலா அதுவா புஷ்பமாலா தாம் ச மாலாம் பிரதமம் அனுபூய கிமர்த்தம் சக அனுபவ ந ஸ்வசியாக இச்சாம் பூரயித்தும் கிந்து பகவதே ஏஷா மாலா சோபதே நவா கதம் வா வர்த்ததே சுத்தம் அஸ்தி வா ஏவம் சுத்தம் அஸ்தி வா ஏவம் ரீதியா அஸ்மாபிஹி கிமப்பி கைங்கரியம் கிரியதே தச்ச கைங்கரியம் அனகம் பவேத் சேவ பாவஹ அத்ர. அபிச்ச திருப்பாவை பல்பதிகம் நற்பாமாலை இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தால் திருப்பாவை ஆக்கிய சுதிம்ச பல்பதிகம் இத்தியுக்தே தசகத்ரயம் நற்பாமாலை சாது பத்யானி தேயேவ மாலாஹ பத்யமாலா இது வக்தும் சக்கியதே. இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தால் சங்கீதஜ்ஞை காத்தும் அர்ஹந்தி ஏதானி ச பத்யானி சங்கீதஜ்ஞை காத்தும் ஏதாவத் காலபர்யந்தம் ததேவ கிரியதே. மார்கழி மார்கஷீர்ஷ மாசே பகுஷு ஸ்தலேஷு திருப்பாவை பத்யானாம் சங்கீர்த்தனம் சங்கீதரூபேன கிரியதே. அஸ்மாகம் சம்பிரதாயே ஏஷஹ அபி விசேஷஹ அன்யஹ விசேஷஹ யதா நாதமுனயஹ நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் புனஹ பிராப்தவந்தஹ யதோஹி மத்தியே கிஞ்சித் காலம் அதிர்ஷ்டம் அபவத் ஏகதேசே ஏகதேசமேவ லப்தம் ஆசீத் ததேவ தத்ர தத்ர அனுசந்தானே ஆசீத் பூர்ணதையா தத் லப்தும் பிரயத்னம் கிருதவந்தஹ ஷடகோப முனீனாம் பிரசாதேன ஸ்ரீமன்நாதமுனியஹ புனஹ சதுஸ்ஸஹஸ்ர பத்யானி ஆனீதவந்தஹ தேச தேஷாம் பாகினேயோஹ சங்கீதரூபேன சிக்ஷிதவந்தஹ இதி சம்பிரதாயஹ. அதேவ இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தால் இதி கா கா சமர்ப்பித்தவதி சா தத்தவதி கா சத்த கா தத்தவதி அன்னவயல் புதுவை ஆண்டால் அன்னம் இத்தியுக்தே ஹம்ச பக்ஷினஹ வயல் புதுவை வயல் இத்தியுக்தே க்ஷேத்ராணி ஏஷு க்ஷேத்ரேஷு ஹம்ச பக்ஷினஹ
सदा वर्तन्ते संचरन्ते संचरन्ति तच्च सच प्रदेशः पुदुवै पुदुवै इति श्रीविल्लिपुत्तूर इति नामना वर्तमानः प्रदेशः आंडाल आंडाल आविवार आंडाल आविवार महाभागाः तावत् निमग्नाः आसन् भगवत अनुभवे भगवत कैंकर्ये आंडाल इत्युक्ते भगवानेव निमग्नः आसीत् तस्याम् इति वक्तुं शक्यते भगवन्तम् एव आदिष्टवती निर्दिष्टवती इति तस्याः ख्यातिः सा बलात्कृत्य भुङ्क्ते इत्येव पराशरभट्टार्यः उक्तवन्तः खलु अत एव आण्डाल् इति द्रविडभाषायां विशेषणं वर्तते अरङ्गर्क् कस्मै सा पुष्पमालाम् एवं पद्यमालां समर्पितवती अरङ्गर्क् पन्नतिरुप्पावि रङ्गनाथस्य कृते दत्तवती इति भावः एतत् अस्माभिः ध्यातव्यं श्रीविशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये जीवात्मनः अथवा जीवात्मनः सर्वेपि भगवतः शेषभूताः अतः कैङ्कर्यम् एव कर्तव्यं तच्च कैङ्कर्यम् अनघं भवितव्यं ज्ञानं सम्पादितव्यं प्रथमं किञ्च तज्ज्ञानं भगवान् सर्वशेषी वयं तस्य शेषभूताः अस्माकं स्वभावः तावत् प्रवृत्तिस्तावत् तस्मै कैङ्कर्यं कर्तुमेव सः रक्षति रक्षिष्यति अस्माकं मोक्षं ददाति इति प्रथमं ज्ञात्वा अनन्तरम् उपायम् अनुष्ठीय तदनन्तरं कैङ्कर्य एव मतिः स्यात् कृतिः स्यात् इति अस्माभिः ध्यातव्यं मनसि स्थापयितव्यम् अनन्तरं वर्तमानं पद्यम् एवं भवति सूडिकोडुत्त सुडर्कोडिये तुल्पावै पाडियोरुल वल्ल पल्वलयाय् नाडिनी वेङ्कटवर्क्कु एन्नै विधि என்ற இம்மாற்றம் நாம் கனவா வண்ணமி நல்கு சூடிக்கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடியொருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்னை விதியின்ற இம்மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு புருஷகார ரூபேன புருஷகார இது பிரதமம் வக்தவியம் கலு பகவான் தாவத்து அஸ்மாக்கம் दुराचारेण वयम् अस्माभिः शास्त्रस्य पालनं तावत् क्लेशैः स एव क्रियते बहुषु अवसरेषु वयं शास्त्रस्य उल्लङ्घनं कुर्मः अत एव भगवतः निग्रहः अथवा कोपः वर्तते अस्मासु तं च कोपं शान्त्वयितुं तं च कोपं निराकर्तुम् अथवा अपाकर्तुम् अस्माभिः शक्तिर्न वर्तते अत एव देव्यः वर्तन्ते देव्यः वर्तन्ते श्रीभूनीला इत्यादि इत्यादयः इत्यादयः ताच देव्यः पुरुषकार रूपेण कार्यं कुर्वन्ति जीवात्मनः परमात्मना सह योजयन्ति भगवते निवेदयन्ति यत् एष जनः अयं च जीवात्मा अस्माभिरेव रक्षणीयः किमपि सः कमपि अपराधं कृतवान् तच्च अज्ञानेन कृतमासीत् अस्माकं पुत्रः खलु अस्माभिरेव सः रक्षणीयः खलु इत्यादीन् भगवते निवेद्य ताश्च देव्यः अस्मादृशान्
जीवात्मनः रक्षन्ति इति भावः। यत् किमपि अस्माभिः कर्तव्यं भवति न केवलम् अस्माकं शक्त्या एव कर्तुं शक्यते, आचार्याणां देवीनां च प्रसादं स्वीकृत्य एव तेषां करुणां प्राप्य एव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतैव आचार्याः एवं वदन्ति नल्गु नाम कडवा वर्णमे नल्गु, नल्गु इत्युक्ते त्वामेव शरणं गच्छामः, त्वमेव तां च मतिं प्रसीद ददातु इति भावः। भगवता सह अस्माकम् अस्मानपि योजय इति भावः। नाम कडवा वर्णमे नल्गु, वयं कडवा वर्णम् इत्युक्ते सर्वदा अनुष्ठानं कुर्मः इति भावः। किमपि उक्त्वा त्यक्षन्ति खलु लोके, अनुष्ठानं प्रथमं स्वीकृत्य अनन्तरं मतेः मतिः सदा परिणमते खलु, तस्मात् वा अथवा किमपि कारणेन यम् अनुष्ठानं स्वीकृतं तत् त्यक्तं भवति, तादृशं न भवितव्यं। तिरुप्पावीमध्ये यश्च उपदेशः वर्तते तं सम्यक् विज्ञाय, विना सन्देहं विज्ञाय, बुद्धौ अस्माकं बुद्धौ स्थापय, येन वयं भगवन्तं प्राप्स्यामः इति भावः। सूडिकुडत सुरकुडिये सैव भावः यं वयं पूर्वस्मिन् पद्ये दृष्टवन्तः। प्रथमं स्वया अनुभूताः मालाः समर्पिताः गोदादेव्या। सुडर्कुडिये इत्युक्ते विद्युल्लेखा इव भासमाना। तुल्पावै पाडि अरुलवल्ल पल्वलयाय्। तुल्पावै इत्युक्ते यत् कात्यायनी नाम्ना अवर्तत व्रतं गोपिभिः यत् आचरितं कृष्ण अवतारसमये, तदेव व्रतम् अधिकृत्य तिरुप्पावै गीतं खलु, पाडि अरुलवल्ल पल्वलयाय्। तेन प्रबन्धेन अस्मान् सर्वानपि अनुगृहीतुम् अर्हति पल्वलयाय्। आभरणविशेषाः यानि आभरणानि तया धृतानि, வேங்கடவருக்கு என்னை விதி நீ என்ற இம்மாற்றம். நாச்சியார் திருமுகி இதிஹி அந்யஹ பிரபந்தஹ கோதாதேவ்யா ரசிதஹ, தஸ்மின் ச ஏவம் வததி திருவேங்கடாக்கிய க்ஷேத்ரே வர்த்தமானம் பகவந்தம் வேங்கடநாதம் प्रति तस्याः भक्तिं प्रकटयति। तत्र वेङ्कटवर्क् एन्नै विधि, वेङ्कटवर्क् एन्नै विधि इत्युक्ते तस्मै भगवते एव अहं भूयासम्, अहं भवेयम् इति भावः। अहं मम विवाहः मनुष्यैः सह मा भूत्, अहं तु भगवतः शेषभूता, भगवता एव भोक्तव्यः
अहम भोक्तव्या अहम अहमपि भगवन्तम् एव अनुभवामि इति भावः। जीवात्मनः स्वरूपं तावत् भगवतः शेषभूतः इति। अतएव तस्य भक्तिः भगवन्तं प्रत्येव वर्तितव्या इति भावः। तच प्रकारः अस्माभिरपि अनुसरणीयः। अत एव यथा अस्माकं मतिः अस्मिन् भावे दृढा भवति तथा अनुग्रहं कुरु इति भावः अस्य पद्यस्य। सन्ति बहवः अर्थाः ज्ञापयितुं, किन्तु समयस्यापि वयं पालनं कुर्मः। एतावत्पर्यन्तम् उपोद्घातं दृष्टं, तिरुप्पायप्रबन्धस्य गोदायाः महात्म्यमपि श्रुतं श्रावितम्। अनन्तरं तस्याः तनियन् इति वर्तमानं पद्यत्रयं श्रुतवन्तः वयम्। तेषाम् अर्थमपि दृष्टवन्तः। इतः परं तिरुप्पावैप्रबन्धस्य एकैकस्य प्रबन्धस्यापि पद्यस्यापि अर्थं पश्यामः इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।